हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं ले रही थी शाम की चाय, और चाय लेने के बाद हम लोगों को बनानी है कल के लिए कुछ मिठाइयाँ, क्योंकि जैसा कि त्यौहार शुरू हो रहा है तो फिर घर पे कुछ ना कुछ बनाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे मिठाइयाँ बनाने का शौक है, तो मैं जा रही हूँ मिठाई बनाने। और मिठाई में आज मैं ट्राई करने वाली हूँ सोन पापड़ी, तो देखते हैं कैसी बनती है। तो चलिए किचन में और शुरू करते हैं सोन पापड़ी बनाना, और उसके बाद कुछ और भी मिठाइयाँ जो भी बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज जैसा कि मेरा ब्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, सभी लोग मुझे बोल रहे थे क्यों नहीं आ रहा है, तो बस ऐसे ही कुछ कामों में बिज़ी थी मैं, तो नहीं आ पाया है। तो अब मेरा ब्लॉग डेली आने वाला है, तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं किचन में और बना रही हूँ सोन पापड़ी। सोन पापड़ी तो ऐसी मतलब आज के टाइम में ऐसी मिठाई हो गई है जिसके बिना दिवाली नहीं होती। कहीं ना कहीं से वो आ ही जाती है घर में, या फिर हम खुद बना लेते हैं, मंगा लेते हैं। बना मैं फ़र्स्ट टाइम ही रही हूँ, तो आज मैं पहली बार सोन पापड़ी ट्राई करने वाली हूँ। और तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। और यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और जिसमें मैंने डाला है 3 चम्मच मैदा और 1 चम्मच बेसन, और उसको बहुत धीमी आँच पर मैं अच्छे से पका लूँगी। बहुत धीमी आंच पर ही पकाना है, बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना है। तो मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, भून लूँगी। और ये इसमें 20-25 मिनट में ये अच्छा सा भून के तैयार हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है चीनी, और यहाँ पर मैंने 4 चम्मच चीनी लिया, उसमें 1 चम्मच पानी डाला है, और उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच नींबू का रस। तो बस इतना ही डालना है, और बिल्कुल सेम आँच पर इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दी हूँ। आधे घंटे में ये अपने आप बन के तैयार हो जाएगी, इसमें मुझे आगे कुछ नहीं करना है, बस मुझे चेक करना है कि बन गई कि नहीं। तो बस इसको भी छोड़ देंगे हम ऐसे ही, और इसका धीरे धीरे अपने आप ही ये मेल्ट होती जाएगी, कलर चेंज होता जाएगा। तो बस नींबू ऐड कर दिया है हमने, और अब हम इसको धीमी आँच पर इसे मेल्ट होने देंगे। और जब तक चाशनी तैयार हो रही है, तो हम इस मैदा और बेसन को जो भुना था वो ठंडा हो गया है, तो हम उसको छलनी में डालकर छान लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर चीनी का कलर भी चेंज हो गया है, और काफ़ी डार्क ब्राउन सा हो गया है इसका, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका कलर। तो बस अब हम इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखिए एक मैंने नॉनस्टिक पैन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसको पहले चम्मच से चलाना है, और उसके बाद जब यहाँ से छूने लायक हो जाएगा तो हम इसे हाथ से ही कर सकते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, और अब मैं हाथ की सहायता से इसको बार बार ऐसे ट्विस्ट करते हुए थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी। और सॉफ्ट करने के बाद हम इसका एक रिंग तैयार कर लेंगे, और ये कम से कम 10 से 12 बार करना है आपको। ऐसे करने से ये थोड़ा लचीला हो जाएगा, और लचीला होने के बाद इसका रिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रिंग तैयार कर लिया है, और जितना टाइम जाना है इसी प्रोसेस में जाना है, क्योंकि बाकी तो कुछ भी नहीं है उसमें, बस ये चाशनी बनाना है। और उसके बाद इसको यूं ही खींचते हुए, इस पर आटा डालते हुए खींचते रहना है। तो इस प्रोसेस में लगभग मुझे 10 मिनट लग गया था, और उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया सी सॉफ्ट सी सोन पापड़ी बन के तैयार हो गई है। तो अब मैंने इसे एक कप में डालकर उसको शेप दे देंगे, चाहे तो आप इसको चौकोर शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कप में डालकर इसका शेप दिया हुआ है गोल गोल इसको, और ये देखने में बहुत ही बढ़िया दिख रही है, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, और यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।